हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूनियन बजट आ चुका है, तो उससे रिलेटेड एक नई अपडेट निकल कर सामने आई है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। इस बजट में रेलवे ने माल ढुलाई के लिए फ्रेट EMU ट्रेन सेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का बजट अलॉट किया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग सरकार ने 200 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके अलावा 1300 करोड़ EBR यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की तरह दिए गए हैं, जिसका जिक्र इंडियन रेलवे की पिंक बुक में किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को दिल्ली में रेलवे बोर्ड के देखरेख में किया जा रहा है। हालांकि उन्हें अभी 1000 रुपये टोकन अमाउंट 2022-23 के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक फ्रेट EMU ट्रेन सेट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 60 करोड़ रुपये तक खर्च करके 25 फ्रेट EMU ट्रेन सेट खरीदेगी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि हर एक ट्रेन सेट में 16 कोच होंगे, जिससे ये बाकी EMU ट्रेन जो अभी चल रही है उससे ज़्यादा लंबी होगी। जैसे कि आप सबने मुंबई लोकल ट्रेन देखी होगी, वो भी एक EMU ट्रेन है, उसमें 12 से 15 कोच ही होते हैं, इसलिए फ्रेट EMU ट्रेन बनने के बाद ज़्यादा लंबी होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और नई अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें रेलवे डबल डेकर कार्गो ट्रेन चलाने वाली है। इसमें कार्गो के साथ साथ पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। ऐसे 20 कोच वाली पहली दो डबल डेकर ट्रेन 160 करोड़ की लागत से रेल कोच फैक्ट्री में बनाया जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन के बीच वाले और ऊपर वाले हिस्से में लोगों के बैठने की जगह होगी, जिसमें 72 लोग बैठ सकेंगे, और नीचे वाले हिस्से में 4 से 5 टन सामान आराम से लादा जा सकता है। ऐसे में जब कोरोना पेंडेमिक की वजह से रेलवे की ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेनें बंद थीं, तो पिछले कुछ सालों में रेलवे ने माल ढुलाई पर ज़्यादा फोकस किया, जिससे रेलवे को काफ़ी फायदा भी हुआ है। दोस्तों, 2022-23 में रेलवे ने 1475 मिलियन टन माल ढुलाई का टारगेट रखा है, जो कि पिछले साल से लगभग 5% ज़्यादा है, जिससे रेलवे को 1,65,000 करोड़ की कमाई होगी, जो कि पिछले साल से लगभग 14% ज़्यादा है। ये डबल डेकर फ्रेट ट्रेन कार्गो लाइनर के कॉन्सेप्ट के जरिए चलाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक